हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:30 बज चुका है और नानी के घर आने के बाद टाइम ऐसा भाग रहा है कि कोई चीज़ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और स्पेशली ये देखो अभी आप बताओ मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ। ये बदमाश मस्ती कोर बच्चा इतना बोलती है ना तुरु। अरे बोलो, मूड नहीं है, ट्यूशन जाएंगे? ट्यूशन भी नहीं जाना है। नानी हाउस जाएंगे? बोलो नहीं। प्रतिमा हाउस जाएंगे? उसको प्रतिमा हाउस ही चाहिए है। एक्चुअली प्रतिमा हाउस ना, ये प्रतिमा हाउस ही है ना। दिन में इतने बार मेरी मम्मी का नाम लेगी ना, प्रतिमा। दादी बुलाती नहीं है, उसको प्रतिमा का ही आदत हो गया। बाबू प्रतिमा किधर है? हाँ बोलो, मूड नहीं है। अभी खाना खाया? नहीं। इधर पूछो, आप लोग ने खाना खाया? हाँ। नहीं, आप पूछो, आप लोग ने खाना खाया? खाया। बोल, मैं अभी ट्यूशन जाऊंगी। किसके साथ जाओगे? कौन लेके जाएगा? प्रतिमा सर। हाँ। उसको वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, कपड़े चेंज कराने के लिए, रात को सो के उठने के बाद डायपर निकालने के लिए, सब चीज़ के लिए उसको प्रतिमा चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए। वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती, अपनी मम्मी को भी नहीं देती है। मैं कितना उसको मेरे पास बुलाती तो भी मेरे पास आती नहीं है। अभी गीत हाफडे से जाती है ना, गीत जाती है कितने बजे, 10:30 के आसपास जाती है और 2:45 तक आ जाती है, तो उतना टाइम मेरी मम्मी इसको संभाल लेती है। अब उसका 1 बजे का ट्यूशन है, ट्यूशन वो जाने के लिए इतना रोती है, मम्मी को लिटरली बाहर बैठना पड़ता है कि इसका ट्यूशन हो जाए, फिर मम्मी इसको लेकर आती है। तो यहाँ आने के बाद एक तो मैं ज्वेलरी का इतना पूरा थैली भर के, मतलब पूरा बॉक्स भर के सामान लेकर आई थी, तो कल पूरा दिन मेरा ना एक्चुअली उसमें ही बिजी गया। बहुत सारे जने स्टॉक खरीदा, देखने आए थे, लेने आए थे, सब अपने मैचिंग ब्लाउज के साथ, ड्रेस के साथ, क्योंकि अभी शादी का टाइम है, लोग गाँव जा रहे, कोई गाँव जाने वाले इसलिए खरीदी करके आए, कोई गाँव से यहाँ पर आए किसी और का वेडिंग अटेंड करने, तो उन्होंने भी खरीदा, किसी ने अपने रिलेटिव्स के लिए खरीदा, किसी ने अपने सिस्टर्स के लिए खरीदा, भाभी लोग के लिए खरीदा, ऐसे सबने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खरीदा। तो कल मेरा पूरा डे ना वही स्केड्यूल, सुबह से रात तक 5-6 जन के यहाँ पे मैं जाकर आई, तो बहुत बिजी था। और किसी के भी घर पे अब जाओ ना तो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा जाता ही जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी टोटल आई थिंक 8 से 10 बॉक्सेस है जो मैं लेकर आई हूँ, तो सबको एक एक दिखाना, फिर उसमें से पसंद करना है ना। अरु शानू दीदी किधर है? शानू दीदी किसकी है? आले की है। और बुआ किसकी है? शानू। बुआ शानू दीदी के। इतना बोलती है हम लोग की आर्या ना, सिर्फ उसको खाना नहीं खाना है और ट्यूशन नहीं जाना है, और सिर्फ प्रतिमा ही चाहिए। मैं कल बिल्कुल भी व्लॉग बना भी नहीं पाई, क्योंकि इसके साथ ही मेरा आधा टाइम तो उसमें चला गया, बाकी टाइम इसके साथ गया, मम्मी के साथ बात। कहाँ जा रहे हो बाबू? इधर बैठ जाओ। नहीं। अरे बुआ भी रेड है, आप भी रेड हो। प्रतिमा आ रही है। अच्छा सबको बाय बोल दो। अच्छा बाय, ऐसा चिल्लाती है ना, बस एक बार वो ठान लेगी ना, उसको प्रतिमा चाहिए। बाबू एसी चालू है, मत जाओ। हाँ दादी आ रही है, आवाज दो। हाँ आवाज दो, देखा अभी मैं दादी बोली तो वो भी दादी बोले, नहीं तो प्रतिमा ही करते रहती है। आ रही है बाबू, दादी आ रही है। नानू कम इनसाइड आरू। और सानू तो हम लोग इतना बिजी है, उसको यहाँ पे तन्मय दादा, पार्थ दादा सब लोग मिल गए ना, तो वो उन लोग के साथ ही खेलते रहते। मेरे को बोलती मम्मा प्लीज़ मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, 4 दिन के लिए हम लोग नानी के पास आए, तो प्लीज़ लेट मी एन्जॉय। आरू ट्यूशन जा रहे हो ना? मम्मी उसको ट्यूशन लेके जा रही है। चलो सानू से भी मिल लो आप लोग। सानू क्या बोला ऐसे तुला? मेरी कड़े छुट्टी में फ्री है, अभ्यास विरार मध्ये करना, इधर अभ्यास नहीं करना, भूकला मग आरती करायला आणली, पूजा करायला आणले। हां श्री, उधर से आई को बहलाने फुसलाने के लिए लेकर आई बुक, इधर बुक निकाल रही तो वापस बैग में रख रही है। अभी भी वो पार दादा तन्मय के साथ, उनके एक रिलेटिव है ना, उनके घर पे जाके खेल के आई, भारवी के घर पे। और सानू हम लोग की इतनी फ्रेंडली है ना, किसी के भी घर पे जाके किसी के भी बच्चों के साथ वो मिक्सअप हो जाती है। छोटी थी तभी उसको टाइम लगता था, लेकिन अभी कोई भी उसके पहचान वाला होगा ना, जैसे पार दादा है, एक मिनट, पार दादा तन्मय दादा, उनके साथ जाके खेलती है, गार्डन भी जाती है। कल गई थी, मैंने लेके गई थी उसको, गीत बाद में पीछे से गई, ये लोग कितना 5:30 गए, गीत 6:30 गई, और पाँच दादा की आजी लेके जाती है रोज शाम को उनको 5:30, तो उनके साथ गई, खेल के आई है ना, एंजॉयिंग नानीज हाउस। अभ्यास नहीं करना ना, नहीं करना, नहीं एकदम सीरियस। अभी वो क्या लेके आई है? ये डोरिटोज लेकर आई है, और अभी जा रही है पाँच दादा और तन्मय दादा के साथ खाने के लिए। से बाय एंड गो बाय।
मैं जस्ट अभी बाहर आई हूँ मेन रोड पे। एक्चुअली निशु आने वाले, निशु को मुझे एक पार्सल देना है, कुरियर का है, मैंने पैक वगैरह कर दिया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर निशु, वो सिग्नल पे है। यहाँ से भी मेरा पैकिंग चालू है क्योंकि ये जो पार्सल है ये अर्जेंट है, जिसको चाहिए वो गाँव जाने वाले, तो मैं मम्मी के पास जाने तक वो वेट नहीं कर सकते कि मैं 4-5 दिन के बाद जाऊँगी फिर वो डिस्पैच होगा। तो मेरे पास स्टॉक यहीं पर था और मैं सारा कुरियर का सामान भी यहाँ पे लेकर आई थी, तो मैंने पैक कर दिया। अब मैं निशु को देने वाली हूँ और प्लस निशु घर से भी मेरा स्टॉक लेकर आ रहे। जो कांच का मिरर वाला ज्वेलरी का पूरा कलेक्शन था ना, वो बॉक्स में लेकर नहीं आई थी, तो जो फोटोज़ मैं सबको सेंड करती हूँ उसमें से लोग सिलेक्ट करते, तो उसका मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर आया 2 पीस का, अलग अलग पैटर्न का है, 2 पीस का ग्लास वाला, तो वो स्टॉक वहाँ पे था। तो मैंने कल रात को निशु को वीडियो कॉल किया और निशु को बोला ये बॉक्स में से ये ज्वेलरी पीस निकाल के लेकर आओ, तो ये वाला पार्सल मैं निशु को दूंगी, निशु से पार्सल लेने वाली हूँ। मतलब 4 दिन मम्मी के यहाँ पर आई हूँ लेकिन फिर भी ये ज्वेलरी की वजह से अभी मेरे को बोलते ना मैं ज़्यादा दिन मम्मी के पास रह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा अटक रहा है, बहुत सारा स्टॉक घर पे बहुत है, तो मैं सब तो यहाँ पे लेके नहीं आ सकती हूँ। प्लस यहाँ से मुझे कुरियर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन कुरियर वाला है, सेम वही चार्जेस में देगा कि नहीं, क्योंकि मेरा जो कुरियर वाला है वो रेगुलर है इसलिए उसके चार्जेस कम है। ऐसा सिंगल आप देने जाओगे तो 80-90 रुपीज़ वो लोग लेते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, प्लस मुझे ऑल द वे मार्केट तक जाना पड़ेगा देने के लिए, तो वो फिर मेरे को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से कुरियर कराना। एंड थैंक गॉड कि निशु का आउटलेट यहाँ पे 10 मिनट के पास में ही है, तो निशु रिक्शा में ही रहते तो थोड़ा आगे आ जाते, अब मेरे को दे के सामान दे के चले जाएंगे उस दिन भी। और अभी मैं रिटर्न जाऊँगी तभी भी मैं ज्वेलरी का पूरा वो बैग जो है ना वो निशु के हाथ में दूंगी, निशु घर लेके जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर मैं सानू और मेरे कपड़े का जो बैग रहेगा वो जाएगा। तो ये अच्छा है कि निशु का जॉब पास में ही है वरना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। आई थिंक मैं फिर मम्मी के पास मैक्स टू मैक्स 3 या 4 दिन ही रह पाती, उसके बाद मुझे घर पे जाना ही पड़ता था। बट अभी सानू मान ही नहीं रही, उसको बोली कि चले हम लोग परसों जाएंगे, तो वो बोल रही नहीं मम्मा 6 डेज़ रहना ही है रहना ही है। सो लेट्स सी अभी हम लोग कितना दिन रहते हैं। बट अच्छा है कि मेरा बोलते ना टचवुड ज्वेलरी का इतना अच्छे से चल रहा है कि मैं ऐसा फ्री नहीं बैठ पाती हूँ। कल भी मैं घर पे थी तो पूरा दिन वो ऑर्डर्स भी आ रहे थे, आई थिंक 6-7 ऑर्डर मेरा पेंडिंग पे है, सिलेक्शन करके हो चुका है कि किसको क्या चाहिए, सिर्फ मैंने पेमेंट किसी से नहीं लिया क्योंकि अब जब मैं घर जाऊँगी सारा स्टॉक निकाल के रखूँगी, उसके बाद मैं कन्फर्मेशन का मैसेज भेजूँगी फिर मैं पेमेंट एक्सेप्ट करूँगी। तब तक मैंने उन सबको होल्ड करके रखा है कि लेट मी गो बैक होम, उसके बाद मैं आप लोग का पेमेंट लेने वाली हूँ, बिकॉज विदाउट कन्फर्मेशन आई डोंट कि मैं पेमेंट ले लूँ और ज्वेलरी बाद में दे दूँ। तो बहुत सारे जन तो मेरे सोसाइटी के हैं और वो एरिया के ही है विरार वाले, तो वो लोग घर पे से या तो फिर बिल्डिंग के नीचे से आके ले जाएंगे। जो कुरियर करना है वो सिर्फ 3 जन का है, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं 4-5 दिन के बाद जाऊँगी, उसके बाद आप लोग मुझे पेमेंट करना फिर मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगी। तो मम्मी भी यही बोल रही थी, तो पूरा टाइम मोबाइल पर ही रहती, तो मैंने कहा क्या करूँ मम्मा, मोबाइल पर ही सारे फ़ोटो भेजना पड़ता है, सारे डिटेल लेना पड़ता है, देना पड़ता है, क्वेरीज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, उसके बाद कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद बुकिंग होता है, उसके बाद पेमेंट आता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो मैं बोला देखो घर बैठे बैठे भी मैं इतनी बिजी हो गई हूँ, यूट्यूब है, ज्वेलरी है, तो मम्मा इज ऑल्सो हैप्पी कि चलो तेरे ज्वेलरी को टचवुड उतना आशीर्वाद है कि अच्छे से चल रहा है, ऐसा नहीं कि तू इतना सारा स्टॉक खरीद के लेकर आई है और ऐसे ही पड़ा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा। मेरे एरिया में भी सब लोग मुझे बोल रहे थे कि इशिता आपका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, रेट्स भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जब भी आती तो मुझे बोलते तू जब भी आया करेगी ना तो अपने साथ ज्वेलरी साथ में लेकर ही आना, क्योंकि हर बार कलेक्शन नया नया आ जाता है और ऐसे वीडियो पर देखना और पास में से देखने में फ़र्क होता है। अभी भी मुझे 3-4 जन को दिखाना बाकी है, तो अभी मैं हूँ 3-4 दिन तो उसमें उनको भी दिखा दूँगी। एंड ये सब लोग लाइव जो होता है वो सेम टाइम नहीं देखते, रिकॉर्डेड लाइव देखते हैं, तो वो लोग रिकॉर्डेड लाइव देख के भी उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, तो अभी मुझे जो दीदी लोग हैं उनको भी मिलना है, वो देखना है क्या स्क्रीनशॉट निकाला है, क्योंकि बहुत सारे जन के पास मेरा नंबर नहीं है तो इसके लिए। सो आई थिंक अभी निशु बस 2-3 मिनट में आ ही जाएंगे। निशु आ चुके, निशु लगे हाँ बोला यहाँ पे भी अपना काम चालू है। नहीं तो ये पार्सल मैं निशु को दे रही हूँ और निशु से पार्सल मैं लेने वाली हूँ। ये रहा, और क्या इसमें और क्या है, क्या है अच्छा, और भी कुछ एक्स्ट्रा आया घर पे, आई थिंक मैंगोज भी आया है क्योंकि सुबह किसने आत्या ने भेजा ना, छाया आत्या ने, कहाँ का रत्नागिरी का है, कहाँ का देवगढ़ का आपू सांबा पार्स घर पे भेजा था, तो एकदम तैयार हो गया है। तो निशु बोले तू आने तक तो वो रहेगा भी नहीं, तो इसके लिए मैंने निशु को बोला अभी आए रहे तो मेरे लिए लेकर आओ, तो निशु ने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं लाऊंगा, बट आई न्यू कि उनको पता है सानू को कितना पसंद है तो पार्सल लेकर आए। चला बाय, थैंक यू सो मच, बाय करा। तो ये देखिए देवगढ़ का आपू सांबा,
और इतना अच्छा इसको खुशबू है, क्या बताऊँ मैं, थैली में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और पूरा रेडी हो गया। देखिए अभी मैं जाऊँगी 5-6 दिन के बाद, तब तक तो ये रहेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं ऋषि को बोला था प्लीज़ लेकर आओ। तो अभी मैं इसको थोड़ा पानी में रखूँगी, उसके बाद कट करके सानू को दूँगी। मैं, सानू, मेरा भाई, गीत, मम्मा, हम लोग सब खाएंगे। आरू नहीं खाती है, उसको मैंगो इतना पसंद नहीं है, और पापा रात को आएंगे तो पापा को दे दूँगी, एकदम तैयार है। तो थैंक यू आते इफ़ यू वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग। लास्ट ईयर भी आते ने दिया था, इस साल भी हम लोग वेट कर रहे थे कि इस बार आते के पास से मैंगो आएगा कि नहीं आएगा, बट फाइनली आ गया है, सो थैंक यू सो मच। और विशु ने मेरवान से आलमंड का केक भी लाया था, मेरवान से मेरे को आलमंड केक लाया सानू के लिए, तो और मेरे भाई के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और फ्रूट्स लाया है, वाटरमेलन है और बनाना है, और ये मेरा ज्वेलरी का जो पार्सल मंगाया था वो है देने का। तो यस, और अभी लग गई है मुझे जोरों की भूख, तो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ। आज बनाया टेंडली की भाजी, टेंडली बटाटा, और सुबह टिफ़िन में बनाया था गवार का भाजी सिंगदाना डाल के, क्योंकि यहाँ पे टिफ़िन लगता है रोज़, गीत को, मेरे भाई को और पापा को, तो टिफ़िन का भाजी अलग बनता है और खाने में दोपहर का भाजी अलग बनता है। और दाल राइस है, चपाती है, अचार है, सैलेड है, क्योंकि गीत ने नीचे प्लेट लिया ना, तो मैं उसको ही देख देख के ही बोल रही हूँ। तो अभी मैं सानू को भी लेके आ रही हूँ पार्क, यहाँ पे खेल रही हूँ, उसके लिए गीत ने खिचड़ी बनाया, सेम वही जो आर्या के लिए बनाया, वही खिचड़ी। आर्या को एक्चुअली ग्राइंड करके प्यूरी बना के देते, और सानू के लिए वैसे ही रखा, क्योंकि सानू तो खा लेती है, उसको घी डाल के दूंगी सैलेड के साथ मैंगो कट करके। आज का मेरा लाइव भी बहुत अच्छे से हो गया, मैंने 6:30 बजे स्टार्ट किया, आई थिंक 7:15 बजे से ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं कर नहीं पाई। और इन दोनों को देखो, आरो क्या कर रहे हो, दीदी को मालिश कर रही है, घोड़ा घोड़ा चालू है और दीदी को मालिश कर, पप्पी दो दीदी को, इतना दोनों का चल रहा है ना। गुड नाइट बोलो दीदी, गुड नाइट बोलो सानू दीदी, इतने बबुल बोलो सानू और आर्या, तो बाप रे एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, इतना एंजॉय करी, उसको भी जाना नहीं है सोने के लिए। आरू इधर आ जाओ, बुआ पास आओ, हाँ बुआ पास आओ, बहुत मूडी है हम लोग की आर्या, बुआ पास आओ। अच्छा सबको बाय बोल दो ना एक बार, बाय इधर आके, इधर 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 आके आरू, इधर से आरू, अच्छा आरू से बाय, आरू नहीं मालिश कर रही है, वो सुनने ही नहीं वाली है। और कल का व्लॉग भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग कल कहीं पे तो जा रहे हैं, अभी कौन जा रहा है, कौन जा, मैं भी जा रही हूँ, कौन जा रहा है, कितने जन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो देखने के लिए आप लोग कल का व्लॉग देखना। से गुड नाइट आरू, आरू गुड नाइट बोलो, आरू को अभी हैबिट नहीं है ना व्लॉग का, तो भाग गई। बाबू गुड नाइट बोलो ना, आ जा बुआ पास आ जा, उसको पति में ही चाहिए, कौन चाहिए, हाँ हॉट है उधर, तो इधर आ जा, इधर आ जा, ठीक है चलो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू।